मानव जीवन की सार्थकता, हमने मनुष्य जन्म पा लिया अपने अच्छे पुण्योदय के कारण, जो है हमें मनुष्य जन्म मिला, मनुष्य जन्म तो मिल गया। चार बातें दुर्लभ है, मनुष्य जन्म का मिलना और ईश्वर वाणी को सुनने का अवसर मिलता मिलना और ईश्वर वाणी में विश्वास होना और ईश्वर वाणी को जीवन में डालना, तो हमें मनुष्य जीवन की सार्थकता इन चार बातों के अंदर है। ये मनुष्य जीवन मिलने के बाद के अंदर हमें क्या काम करना है, हमें रियल पुरुषार्थ करना है, क्योंकि रिलेटिव पुरुषार्थ तो अज्ञान है और रिलेटिव पुरुषार्थ जो है हमारे उदय और प्रारब्ध से जुड़े हुए हैं। जितनी भी हमारी धार्मिक क्रिया है वो रिलेटिव पुरुषार्थ, कोई व्यक्ति कहता है कि मैं तो पुरुषार्थ कर रहा हूँ, जबकि उसका जो उदय और प्रारब्ध है वो हमारे पूर्व जो है जन्म के अंदर जो जो कॉज डाले हैं उसका इफेक्ट है, वो परिणाम है, वो परिणाम बदला नहीं जाता है, वो एज इट इज भोगा जाता है। एक भी स्वतंत्र सांस लेने की व्यक्ति को जो है वो स्वतंत्रता नहीं है, फिर भी वो समझता है कि ये मैं कर रहा हूँ, ये मैंने किया, ये मेरा घर है, मेरा परिवार है, तब जो है उस संबंध के अंदर वो जो कर्ता भाव बन करके और वह जो है रिलेटिव पुरुषार्थ करता है। तो हमें रियल पुरुषार्थ करना है, रियल पुरुषार्थ जीवन का लक्ष्य है। रियल पुरुषार्थ मतलब जो है दृष्टि विज्ञान, दृष्टि विज्ञान का अर्थ होता है ज्ञाता दृष्टा बनना, दृष्टि विज्ञान का अर्थ है हरि अनंता, हरि कथा अनंता, भीतर जो हरि बैठा है उसकी कथा करो, उसके गुणों को देखो, गुणों को जीवन में धारण करो, वो गुणों को लोगों तक पहुंचाओ और गुणों का जो है अनुभव करो, प्रतीति जागृति और अनुभव करना, ये रियल पुरुषार्थ है। जागृति हमारा रियल पुरुषार्थ है।